वेलकम अगेन टू अवर चैनल। जो हमारी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनका वेलकम, और जो हमें रेगुलर देखते हैं उनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम सीखने वाले हैं होपनोपोनो करेक्ट वे में कैसे करें, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होपनोपोनो होते हैं, हम कैसे सिंपल भाषा में हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो वेलकम अगेन जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, दिस इज डॉक्टर नीलम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपनोपोनो सर्टिफाइड हीलर हूँ, और आज हम सुनते हैं तो क्या होता है होपनोपोनो। होपनोपोनो का मतलब ही है, ये हवाइन मैजिकल प्रेयर है, हवाइन मैजिकल टेक्निक है, जिसका मतलब होता है कीप क्लीनिंग कीप क्लियरिंग, क्लीन करते जाओ क्लियर करते जाओ अपने आप के, जो भी हमारे लाइफ में जो हमारे पास ट्रॉमास हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ हमारे पास की चीज़ें हैं जो हमें बॉदर कर रही हैं, वेदर हेल्थ रिलेशनशिप करियर फाइनेंस स्पिरिचुअल बिजनेस जॉब एरिया प्रोफेशनल एरिया किसी भी एरिया में सोशल गैदरिंग्स, हमें किसी भी एरिया में हमें दिक्कत है। तो हम जैसे मैंने अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट किया है, वैसे आप भी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सुनते हैं बहुत सिंपल भाषा में होपनोपोनो, जैसे मैंने बताया क्लीन क्लियरिंग है। तो अगर आप रेडी हैं मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। होपनोपोनो हवाइयन मैजिकल प्रेयर है, जिसको डॉक्टर यूलेन ने एक अच्छे वे में, एक प्रैक्टिकल वे में जिसको सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। कई बार हम सिर्फ चीज़ें सुन लेते हैं और उसको करते नहीं हैं, तो जब हम करते हैं तो डॉक्टर यूलेन उनमें से थे कि उन्होंने जाना और उन्होंने किया, तभी मैजिकल क्रिएट उन्होंने अपनी लाइफ में किया। और इतने सारे लोगों में अब तक तो करोड़ों लोग सोल्स हील हो चुके हैं उनकी एक प्रैक्टिस से। चार सिंपल फ्रेज में होता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब कई बार क्या होता है ना, हम सबको पता रहता है तो हम जैसे बोलते हैं कि रोज 108 टाइम्स होपनोपोनो प्रैक्टिस करो, तो कई बार लोग ना मैकेनिकली करने लगते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू, तो जिससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आई लव यू इतना जोर से बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं आपसे प्यार करती हूं, या मैं बोलूं आई हेट यू आई थैंक यू ऐसे बोलूं तो आपको लगेगा कि आई हेट यू भी मैं अगर बहुत अच्छे इमोशंस के साथ बोलूंगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, राइट? तो वैसे ही हम मैकेनिकली, कई बार हम चीज़ें इतनी सिंपल होती है ना तो उसको मैकेनिकली करने लगते हैं, जैसे रोज आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू, जैसे हम यूनिवर्स पे या डॉक्टर यूलेन पे एहसान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें करना है ना तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, जो आप इमोशंस क्रिएट करना चाहते हैं उस इमोशंस को फील करके, सोच के, और ब्यूटीफुल स्टोरी जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ध्यान में रख के, एंड रिजल्ट उसके बाद जब हम बोलेंगे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, वेदर हेल्थ में हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, करियर मनी किसी के लिए। तो एक होता है जेनरिक होपनोपोनो, जिससे आप जेनरिक मतलब हाँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बट स्टिल आप चाहते हैं कि हाँ मेंटेनेंस के लिए बनी रहे, क्लीनिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस से है, नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, तो हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहे, एक अच्छा वातावरण बना रहे, उसके लिए हम 108 टाइम्स सुबह शाम बोलते ही हैं, ठीक है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू। तो मेरे साथ आप चैंट करें विद प्यार से, एक बहुत अच्छे से, जो जेनरिक के लिए हम सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, हम YouTube के लिए कर रहे हैं, जो हमारे साथ सब्सक्राइबर्स सारे जुड़े हुए हैं उनके लिए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। ये जो है वर्ड्स की जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, जो वर्ड्स एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, हम सबके इमोशंस हैं, लाइक लव में लिखो एक में, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ना डॉक्टर इमोटो ने लव लिखा और हेट लिखा, तो हेट वाला कितना वाटर पूरा सड़ चुका था, खराब हो चुका था, और लव वाला कितना अच्छा था, उसके क्रिस्टल्स हमें दिख रहे थे। तो जब हम वर्ड्स को इमोशंस में लाके करते हैं, उस हीलिंग एनर्जी में बोलते हैं, तब हमारी लाइफ में मैजिक होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इतनी बार कर रहे हैं हमारा वर्क नहीं कर रहा होपनोपोनो,
वो इसीलिए कि हम बहुत मैकेनिकली करने लग गए हैं, मजा नहीं आ रहा, तभी भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इमोशंस के साथ करोगे आपको खुद बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा महसूस होगा। आप चाहे आप 11 टाइम्स करें, 21 टाइम्स करें, 51 टाइम्स करें, 108 बार करें, 1008 बार करें, वो आपकी है। पर आप जब भी करें तो एक पूरे मन विश्वास के साथ करें, ठीक है? तो ये होता था जनरिक, और अब होता है स्पेसिफिक होप नुपुनो, कि आपको किसी स्पेसिफिक एंड रिजल्ट को करना है, राइट? जैसे मान लीजिए आपको अपनी मम्मा के लिए करना है, अपने फादर के लिए करना है, आपको एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपका एग्जाम है तो आपके इंटरव्यूअर के साथ इंटरव्यू है आपका, या आपको कोई भी लाइफ कैसे आपको YouTube के लिए करना है, YouTube सब्सक्राइबर के लिए करना है, आप ऑथर हैं तो आपको रीडर्स के लिए करना है, तो आप एक अच्छे से उनके लिए बहुत प्यार से कि बहुत अच्छे रीडर्स आपके, बहुत रीडर्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा पूरे इंटरनेशनल रीडर्स हैं, आप एक ग्लोबल ऑथर हैं, आप अपने अच्छे से वैल्यू दे पा रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जॉब इंटरव्यू अगर आपको क्लियर करना है तो उन सारे इंटरव्यूअर्स को विजुअलाइज करके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपकी कुछ ऑफिस मीटिंग है जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है, तो बाहर बैठे बैठे ही अच्छे से अगर इमोशंस और फीलिंग्स के साथ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो आपके अराउंड जो भी एरिया है, जो भी ऑरा है, वो क्लीन होता जाएगा। और देखिएगा मैजिकली आपकी सारी, कई लोगों ने अपने हेल्थ में, लाइक जैसे मेरे हेल्थ में हो, मेरी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, 8 था, तो मैंने हीमोग्लोबिन को ठीक किया, अभी मैं अपना सर्वाइकल पेन ठीक कर रही हूँ, तो हीमोग्लोबिन मेरा अब 12.5 हो गया, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, तो आप देख सकते हैं कि होपोनोपोनो से हम हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप हील्ड रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर किसी के साथ आपकी नहीं बात हो रही है, आपको फॉरगिवनेस, एक ब्यूटीफुल प्रेयर है फॉरगिवनेस की, तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा करती है कि किसी के साथ भी वो उसका नाम लेके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मम्मा के लिए करना है तो डियर मॉम, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एकदम फीलिंग्स के साथ, एकदम प्यार मोहब्बत के साथ करेंगे। जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, स्टोरी जैसे हम क्रिएट करते हैं, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो अपने वर्ड्स और इमोशंस पे अच्छे से ध्यान दें आप। उसके बाद ये होता है स्पेसिफिक हो गया, जेनरिक हो गया। अब हम लेते हैं ये सारे बेसिक एडवांस होपनोपनो में आ गया। अब एडवांस होपनोपनो क्या होता है, उसमें हम दूसरे के लिए नहीं करते हैं, उसमें हम अपनी जिम्मेदारी 100% लेते हैं। जो भी मेरे लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, या जो भी मेरे अराउंड हैं आसपास के, उन लोगों को हो रहा है तो उसको हम फीलिंग्स के लिए करते हैं, इमोशंस के लिए करते हैं, जो हम सोच रहे हैं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी ये फील कर रही हूँ, लाइक मुझे अगर दुख हो रहा है तो आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सैडनेस फीलिंग, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फीलिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग, फॉर टेलिंग ओल्ड स्टोरीज, फॉर फोकसिंग ऑन ऑल नेगेटिव थिंग्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दिस नेगेटिव इमोशन। इसमें हम नेगेटिव इमोशंस को भी थैंक यू बोलते हैं और पूरा क्लीन करते हैं। आई लव यू फॉर दिस ब्यूटिफुल इमोशन, आई एम नाउ रेडी टू क्रिएट माई पावरफुल इमोशन, आई एम नाउ रेडी टू टेल माई न्यू स्टोरी विच आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। तो जो आप फील कर रहे हैं, लाइक किसी के आपके घर में तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको अगर चिंता हो रही है तो आप क्लीन करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। डॉक्टर यूलेन ने भी जो रिमोट हीलिंग से इतने सारे लोगों की जो मदद की विदाउट देखे कि मेंटल असैनन जो था वो बंद हो गया, और उन्होंने किसी को भी देखा नहीं, है ना, तो उन्होंने एडवांस ओपन किया कि इस फीलिंग को देख के मुझे डिस्गस्टिंग लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एंगर हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, उसको क्लीन करते गए और उनके अराउंड और जो भी वो लोग थे वो हील होते गए। तो एडवांस होपोनोपोनो में हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं अपने इमोशंस की, अपने फीलिंग्स की। अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो वो डर जो हो रहा है, एग्जाम कुछ मैनिफेस्ट करना है,
आपको किसी को हील करना है तो उसको लेके आपके क्या फीलिंग्स है, लाइक आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आपको क्या फीलिंग आ रही है उस टाइम, उसके लिए नफरत आ रही है, उस पर गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को वो हम हील करते हैं। अब एक होता है कन्वर्सेशनल होपनोपनो और वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो। वॉकिंग टॉकिंग होपनो कैसे होता है, जैसे हम वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशंस करते हैं राइट, जैसे अभी मैं क्लिनिक जा रही हूँ तो मैं पहले से ही अफर्म करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छे से हील कर पा रही हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स का वैल्यू दे पा रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वॉकिंग टॉकिंग हो ओपनोपनो ऐसा होता है कि चलते फिरते हो ओपनोपनो करें, मन ही मन में करें, ज़रूरी नहीं आपको तेज़ बोलना है, मन ही मन में क्लीप क्लीनिंग क्लीप क्लियरिंग करते रहिए और ये आपकी लाइफ में एक बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होगा जो आप किसी को शेयर भी नहीं करना, मतलब एक्सपीरियंस इतना मैजिकल होता है कि आप किसी को बयान नहीं कर पाते हो, हमें खुद को एक्सपीरियंस करना होता है राइट। और फिर कन्वर्सेशन होपनोपनो होता है कि आप अपनी फीलिंग्स से बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे मुझे शोल्डर में पेन है, सर्वाइकल में पेन है, तो मैं बोलूँगी आई एम सॉरी माई शोल्डर फॉर गिविंग यू सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर गिविंग यू सो मच वेट, फॉर टेकिंग सो मच वेट, फॉर लिफ्टिंग सो मच वेट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी ऑन फोकसिंग ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू दैट आई क्रिएटेड दिस पेन, थैंक यू नाउ यू आर हीलिंग योर सेल्फ, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे नेक को, मेरे स्पाइन को ठीक करने के लिए, मेरे स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू हमेशा मेरा ध्यान देने के लिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई सर्वाइकल पेन। तो आप जब बात करोगे ना, कन्वर्सेशन मतलब क्या, आपको बात करनी है किसी से, तो जब आप बात करोगे किसी से तो आपको क्या, क्यों कर रहे हो, मतलब प्लीज़ आई एम सॉरी, क्यों यू आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्यों, किस चीज़ के लिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एक रिलैक्स होके, जैसे हम आपस में एक दूसरे से, फ्रेंड से, मम्मी पापा से, स्पाउस से, पार्टनर से बात करते हैं, वैसे ही हम चीज़ों को लाइक मनी के लिए हमें करना है, तो आई एम सॉरी मनी कि मैं तुम्हारा इतने अच्छे से वैल्यू नहीं करता, मैं खर्च करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि कितना करना है, मैं समझती भी नहीं हूँ कि एक तुम ब्यूटीफुल एनर्जी हो, एयर के जैसे आई ब्रीद इन आई ब्रीद आउट, मैं कभी कभी स्टिंजी हो जाती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं स्टिंजी हो जाती हूँ, मैं खर्च नहीं करती, मैं ज़्यादा ही ओवर कंजूस हो जाती हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ही दिलदार हो जाती हूँ, बैलेंस नहीं रखती हूँ, थैंक यू सो मच डियर मनी मेरे साथ हमेशा एयर के जैसे प्रेजेंट होने के लिए, जितना मेरे पास आएगा एफर्टलेसली उतना आउट होगा, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं फोकस करती हूँ कि मेरे पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, आई लव यू डियर मनी एनर्जी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, आई लव यू एंड लव यू लव। तो ऐसे हम जो आपकी पर्सनल फीलिंग हो मनी को लेके, आप उससे बात करो मनी को लेके, हम एक कन्वर्सेशन में ना हम चीज़ों को इंसान समझेंगे, लाइक थिंक समझेंगे, एनर्जी तो हम सब हैं, तो किसी भी चीज़ में पेन हो, हेडेक हो, तो वैसे हम कन्वर्सेशन ओपन करेंगे। तो ये थे जेनरिक होपनोपनो, स्पेसिफिक होपनोपनो, किसी के लिए करना है तो स्पेसिफिक आप कर सकते हो, ये बेसिक में हो गया। फिर कन्वर्सेशनल होपनोपनो हो गया, आप उसको एनर्जी समझ के, उसको एक इंसान समझ के बात करेंगे, क्यों, क्या, कैसे, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो उससे, ठीक है। और फिर हो गया एडवांस ओपनो, जिसमें आप बोलोगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इमोशन, दिस फीलिंग, अपनी एडवांस में मीन्स कि हम एडवांस हो गए तो हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम प्रॉपर क्लीन क्लियर वे में हम इमोशंस के साथ करेंगे, मैकेनिकली नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे से अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके हम किसी को भी हील कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर मैजिक। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर नीलम साइनिंग ऑफ।